तो शिक्षक बन गया चाय वाला। अब बीटीसी किया हुआ है, 2017 बैच का मैं बीटीसी रहा हूँ। बीटीसी कंप्लीट हो गया, यहाँ टेट सीटेट सभी क्वालिफाई है वैकेंसी। उसके बाद सरकार नीतियां बनाती रही पर अभी तक आई नहीं। मतलब चाय वाय बेचने में इतना पढ़ लिख कर शर्म वरम नहीं आता है क्या भैया? अपना काम करने में अगर शर्म करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षक बन जाते तो लगभग कितना कमा लेते और अभी कितना कमा रहे? देखिए, और हम मेरे यहाँ 12 प्रकार की अभी वर्तमान में चाय है। और दीदी, ये प्रधानमंत्री जी के कहने पे मैं चाय वाला नहीं बना कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मसाला चाय, अदरक इलायची चाय है, पान रोज गुलाब गुड़ वाली चाय है, तीखी मिर्च चाय है। करके बन गए आप चाय वाला? और चाय में प्रेम मिलाता हूँ मैं, मोहब्बत से मुस्कुराते हुए सबके सामने चाय लेके जाता। प्रेम मिला देते हैं बिल्कुल भैया। इस वक्त मित्रों मैं अयोध्या में हूँ, राम की पैड़ी पर। आपने इंजीनियर चाय वाला देखा, एमबीए चाय वाला देखा, बेवफा चाय वाला देखा, और आज मैं आपको शिक्षक चाय वाला दिखाऊंगा। हो ना हो, इस देश में कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम है और पढ़ लिख कर लोग आजकल अपना आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं और चाय का दुकान खोल रहे हैं। ये जो चाय की दुकान में हम आपको लेके चलेंगे ना, इधर बहुत अजूबा बा। ये भैया के पास इतनी डिग्री बा कि उसका नाम हमको नहीं पता है। इतनी डिग्री है, वो टीएड बीएड पीएड सब कर सब कुछ कर लिए हैं, वो हमसे पूरा नाम ही नहीं लिया जा रहा है। इस म्यूजिक को बंद कर दीजिए थोड़ा सा, नहीं तो हमको कॉपीराइट आ जाएगा, फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। इस वक्त मैं चाय पोर्टल पे हूँ और मैं भैया से जानूंगा, ये एक शिक्षित युवा है और इनके चेहरा देख के लग जाएगा कि बहुत ही शिक्षित है। शिक्षक वाली पढ़ाई पढ़ी है आपने? जी भैया, पहले प्रणाम। कितनी पढ़ाई की है आपने? भैया मैं 2017 बैच का बीटीसी का छात्र रहा हूँ। और दूसरी चीज, हिंदी से प्रश्नातक साकेत महाविद्यालय। साकेत से पढ़े हैं? जी हाँ। और बीटीसी किया हुआ है, 2017 बैच का मैं बीटीसी रहा हूँ। बीटीसी कंप्लीट हो गया? जी हाँ, टेट सीटेट सभी क्वालिफाई है वैकेंसी। उसके बाद सरकार नीतियां बनाती रही पर अभी तक आई नहीं। मतलब जो शिक्षक के लिए जरूरी डिग्रियां चाहिए वो सब डिग्री आपके पास है, शिक्षक बनने वाले सारे गुण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली, इसलिए आप बन गए चाय वाला। जी बिल्कुल, बीच में प्रधानमंत्री जी ने एक अपना स्लोगन निकाला, आत्मनिर्भर भारत। मैं स्वयं आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा हूँ, 2-4 लोगों को रोजगार भी दे रखा हूँ अपने माध्यम से। अच्छा ये बताइए, चाय वाय बेचने में इतना पढ़ लिख कर शर्म वरम नहीं आता है क्या भैया? अपना काम करने में अगर शर्म करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते भैया। ये बात सही है। तो चाय ही अब बेचेंगे? नहीं, चाय भी बेचेंगे, अगर गवर्नमेंट भर्ती लाती है तो शिक्षक भी बनूंगा, शिक्षक का भी काम करूंगा। और अभी भी बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं जो यहाँ घुमा करते हैं, जो हमसे हो पाता उनको ज्ञान भी देते हैं। अच्छा, शिक्षक बन जाते तो लगभग कितना कमा लेते और अभी कितना कमा रहे? देखिए, शिक्षक बन जाते क्या कमा लेते ये तो सरकार का है भाई। सरकार किस स्केल पे, कहाँ क्या हमको बेसिक का मिल रहा है, कि जूनियर में जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, वो तो स्केल पर डिपेंड करेगा। बाकी यहाँ से जो है श्रद्धालु आते हैं उनसे अपने अपना खर्चा निकल आता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर शिक्षक बन जाते इतनी डिग्री लेकर तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा कमाते, लेकिन ये है कि आत्मनिर्भर हो गए हैं और रोजी रोजगार घर का खर्चा इससे चल रहा है। बिल्कुल, घर सब चल रहा है। और बाकी शिक्षक बन जाएंगे भाई, शिक्षक में जो है भाई, जिसके लिए पढ़ा, पैसे खर्चा किए, मेहनत करी, वो नहीं पूरा तो उस बात का कलेश है, लेकिन भाई अपना है ये भी है। अच्छा, मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, कहीं ऐसा सपना नहीं कि हम भी बन जाएंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है, बस हाँ अपना खुद का हो ये लालसा थी, इसलिए चाय का बिजनेस किया, यहाँ लोगों की जरूरत थी। बाकी बैठने से अच्छा है कुछ अपना करते रहे। अच्छा, कितने प्रकार की चाय बनाते हैं जरा? चाय मतलब पढ़ते हुए कैसे आइडिया कैसे आया? चाउमीन भी बना सकते थे, बर्गर भी बेच सकते थे, चाहिया वाला ही बिजनेस हुआ, कैसे याद आ गया? बचपन से चाय का शौकीन रहा हूँ, बचपन से चाय पीने का शौक था। घर में मैं स्वयं ही चाय पकाता हूँ, पूरे परिवार के लिए चाय स्वयं पकाता था। और दीदी, ये प्रधानमंत्री जी के कहने पे मैं चाय वाला नहीं बना कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मेरा खुद का ये था कि मैं चाय अच्छी लगती थी चाय, और हम मेरे यहाँ 12 प्रकार की अभी वर्तमान में चाय है। अच्छा, जो चाय बनाते हैं लोगों को पसंद आता है? बिल्कुल भैया, पसंद आती, लोग आते हैं यहाँ, भैया लोग प्राय आते हैं, बैठे हैं, लोग हैं, उनसे भी आप जान सकते हैं। कौन कौन सी चाय बनाते, कोई नाम वाम रखा होगा आपने? बिल्कुल, मसाला चाय, अदरक इलायची चाय है, पान रोज गुलाब गुड़ वाली चाय है, तीखी मिर्च चाय है, चॉकलेट चाय है, कुल मिला के 12 लेमन टी है, 12 प्रकार की चाय वर्तमान में है। सब बना लेते हैं? बिल्कुल भैया, सब पकती है। कितनी ब्रांचे चल रही है इसकी? वर्तमान में 3 ब्रांच चल रही है, एक अयोध्या में 2 थी, एक चौड़ीकरण में टूट गई है, रायबरेली रोड पे थी, एक यहाँ है, एक गोंडा एलबीएस के पास, दूसरी सुल्तानपुर बस अड्डे के पास। अच्छा, मतलब यहाँ पर चाय का पीने का आनंद ही अलग होगा। बिल्कुल भैया, सरयू किनारे चाय, भैया माँ के तट पे बैठकर चाय पीने का आनंद और ही होगा। तो शिक्षक बन गया चाय वाला।
आप शिक्षक कब बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आप चाय वाला जरूर बन गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की गद्दी मत हथियाइएगा। नहीं अरे भैया, प्रधानमंत्री बनने का कोई लालसा नहीं है, बस चाय वाला रहूं यही काफी है। लोगों की सेवा कर पाता हूं, लोगों को सुकून देता हूं चाय पिला के। और सबसे सस्ती चाय कितने की देते हैं? मात्र 10 रुपए की चाय। 10 रुपए तो 10 रुपए को झुग्गी झोपड़ी वाला भी दे देते हैं। अरे तो बस हमारी आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ अगर किसी को हम ये दिखा देंगे हम 50 की चाय दे रहे हैं तो चाय नहीं, फिर हम तो उनको लूट रहे हैं। अच्छा, जो आपने पढ़ाई पढ़ी है अभी तक, वो कौन कौन से कॉलेजेस से स्कूल से पढ़ी हमें जरा बताएं। जी मैं प्राइमरी की पढ़ाई जो होती है बेसिक प्राइमरी की पढ़ाई मैंने गोंडा से हासिल की, उसके बाद 8th के बाद 9th 10th और 12th तक महाराजा इंटर कॉलेज जो अयोध्या का प्रतिष्ठित कॉलेज है वहाँ से करी, उसके बाद स्नातक प्रस्नातक साकेत से। साकेत एक ऐसा कॉलेज है मित्रों जहाँ पर पास आउट करना बहुत ही मुश्किल काम, अगर आप कमजोर हैं तो आप पास आउट नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप शिक्षित है आपके अंदर प्रतिभा है तभी आप उसमें पास आउट कर सकते हैं, और स्नातक करना वहां से ये बहुत बड़ी बात है साकेत से। क्यों ना भैया? जी बिल्कुल भैया, जो हाई मेरिट वाले होते हैं उन्हीं का वहाँ एडमिशन होता है, चयन होता है, वहाँ मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। वहाँ पर स्नातक और प्रस्नातक दोनों डिग्री हमने वहीं से हासिल करी, उसके बाद BTC जो है प्राइवेट कॉलेज भवदिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से वहाँ से किया। उसके बाद टेट सीटेट क्रम से आते गए, आवेदन किया, क्लियर किया, भर्ती उसके बाद आई नहीं। बीएड बीटीसी टेट सीटेट्स करके बन गए आप चाय वाला, और कहीं ना कहीं अब हमें अपने ऊपर ही डिपेंड होना होगा। हम सरकारों के ऊपर कब तक डिपेंड रहेंगे, हम सरकारों के ऊपर कब तक निर्भर रहेंगे? कहीं ना कहीं अपना भविष्य अपने आप से ही उज्ज्वल बनाना पड़ेगा हमको। सरकारें अब नहीं आएंगी, अब सरकारों से हम सरकारें भी कहती और हम खुद ही सोचते हैं कि नौकरी लेने से अच्छा नौकरी देने वाला बना जाए। बिल्कुल, नौकरी लेने से अच्छा नौकरी देने वाला बना जाए। और हम इसमें नौकरी अभी हमारे पास 4 का स्टाफ है यहाँ अयोध्या में, और हम ब्रांच बढ़ा रहे हैं, स्टाफ बढ़ाएंगे तभी हमारी ब्रांचें बने, क्योंकि मैं तो अकेला देखने वाला हूँ, भाई लोग हैं, इनका सहयोग रहता है, सब काम करते हैं, कोई हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है, सब भाई की तरह है। कितनी देर में चाय बना देते हैं? चाय बनने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट में अच्छी चाय बन जाती है हमारी। अच्छी चाय बिल्कुल। और सबसे महंगी चाय 25 रुपए। बस ये महंगा थोड़ी हुआ भाई, 25 रुपए तो आधे गुटखा का। सबसे महंगी तुलना करेंगे अगर तुलनात्मक दृष्टि में देखें 10 और 25 में 25 ही महंगा है। अच्छा, हम सोचे कि 25 नहीं, कम से कम 250 की चाय होगी महंगी। ऐसा कुछ नहीं है भैया, चाय जो चाय का अगर देखा जाए तो जो एक मानक होता है वो 25 से अधिक किसी भी चाय में नहीं आता। आप सोफे पे बैठा के पिलाएं तो उसका 250 ले सकते हैं चाय, लेकिन वही रहेगी, चाय वही रहेगी, दूध और चीनी सब लोग वही डालते हैं, लेकिन कुछ आप अलग करके बनाते हैं इसलिए उसकी मिठास अलग हो जाती है। साथ चाय में प्रेम मिलाता हूँ मैं, मोहब्बत से मुस्कुराते हुए सबके सामने चाय लेके जाता। प्रेम मिला देते हैं बिल्कुल भैया, अगर प्रेम नहीं होगा तो फिर कोई चीज कोई संबंध आगे नहीं बढ़ सकता। इनके कस्टमर है जो हमको देख कर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा कर लिए हैं, इकट्ठा करके आ लिए चाय पीने आए थे। ये देखिए कप अभी हाथ में है, अच्छी लगती है? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया चाय मिलती है। मास्टरी वाला गुण डालते हैं, कुछ बुद्धि बुद्धि में घुसता है मतलब। नहीं, चाय में मास्टरी का तो कोई मतलब नहीं, लेकिन चाय आपके यहाँ की बहुत अच्छी रहती है। और शुरू से जब से खुला पहले दिन से यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है, और हम लोग जब भी हम कुछ मित्र इकट्ठा होते हैं सरयू तट पे तो यहाँ चाय पीने जरूर आते हैं। जो है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की नगरी में लोग चाय पीने आते हैं, और चलिए इनका शुक्रिया अदा कर देते हैं, आप हमसे जुड़े, धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद भैया। और मिठास ऐसे ही अपनी चाय में प्यार बढ़ाते रहिए, और कुछ सरकारी अध्यापकों को भी ज्ञान दीजिए कि सुनिए कि जो है चाय में कुछ घोल के पिलाया करे ताकि बच्चों के अंदर घुसा करे। एक दिन हम सरकारी स्कूल में गए तो हम बोले मोदी जी कौन है बच्चों वासे, तो मोदी जी कहा हमारे पापा हैं, तो हम कह रहे बाप रे बाप। तो ऐसे अध्यापकों को कहीं ना कहीं जरूरत नहीं। अध्यापकों में कोई गया भाई, 3 स्तर के परीक्षाएं होगी तब आप आज अध्यापक बना है। अध्यापकों में कोई कमी नहीं, उनके प्रवेश में कमी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जो वहाँ का वातावरण है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। मास्टर जी को भी बच्चों का नाम नहीं पता होता, दुर्भाग्य है। वो भैया हमारा वीडियो देखते हैं, हो सकता है तो कहीं ना कहीं वो जानते होंगे कि मास्टरों का क्या हाल है इस देश में, और आप अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए आभार शुक्रिया शुभकामना आपको। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार शुक्रिया शुभकामना धन्यवाद।